हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो फ्रेंड्स, अनेकार्थक वो होता है जिसके एक से अधिक अर्थों से बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो चलिए बताते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए अभिमान, बी आयु, सी अधिक, डी अर्थ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, उसका जो आंसर है हमारा डी राइट होगा। अर्थ जो है हमारा अनेकार्थक शब्द है, इसके मतलब एक से अधिक अर्थ है, जैसे कि धन, मतलब अभिप्राय, इंद्रिय और मतलब इंद्रिय विषयक, ये क्या है, इसके एक से अधिक अर्थ है। ठीक है, तो चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर सेकंड की। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। ए अधिकार, बी अनुसरण, सी अध्ययन, डी आगामी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप चेक कीजिए, अधिकार गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनुसरण भी गलत है और आगामी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। अध्ययन जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, तो सेकंड का हमारा सी। बात करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है कौन सा है, वो ए अनुषंगिक, बी आध्यात्मिक, सी ऐतिहासिक, डी दायित्व। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ढंग से आप देखेंगे तो आप ऑप्शन सी चेक कीजिए, ऐतिहासिक लिखा हुआ है। क्या होता है वो, ऐतिहासिक। तो ये वाला ए बनता है ना, ए मतलब ए बनता है ये वाला। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी क्या है, अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। निम्न में कर्ता कारक का परसर कौन सा है? तो बताइए को, ने, से, में क्या होगा? तो आपने कारक तो पढ़े, कर्ता, ने, कर्ण, को, कर्ण, से, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं। कहा है कर्ता, ने। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ का बी राइट है, कर्ता, ने। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर फाइव की। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा, ए दया, बी प्रार्थना, सी वायु, डी नेत्र। जल्दी आंसर कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, नेत्र। जो नेत्र है ये हमारा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। उसके नेत्र गुस्से से लाल हो गए, है ना। तो जो है नेत्र लाल हो गए, तो वाक्य प्रयोग करके ही पता चल रहा है नेत्र जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए बात करते सिक्स की। निम्न में से स्त्रीलिंग, अब इसने पूछा स्त्रीलिंग बताना है हमें कि स्त्रीलिंग क्या है। तो बताइए ए शोभा, बी शस्त्र, सी पालन, डी नृत्य। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन ए राइट है ये बिल्कुल सही है। शोभा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आपने पढ़े ही होंगे ना, तो पता ही चल गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? एक वचन में किसका प्रयोग किया जाता है, नदी का, प्रत्येक का, साधु का या घर का? तो फ्रेंड्स देखिए आप, नदी का नदिया हो जाता है, प्रत्येक का कभी प्रत्येक नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, प्रत्येक जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन होता है। साधु का साधुओं, घर का घरों, है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण बताना हमें, ए उसने पढ़ा था, बी वह पुस्तक पढ़ेगा, सी वह जाता है, डी वह खेल रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ए और डी देखिए, उसने पढ़ा था, वह खेल रहा था, दोनों कैसे हमारे भूतकाल के हैं। वह पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन बी हमारा कैसा है, भविष्यकाल का, पढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वह जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसा है, ये हमारा वर्तमान काल का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, एट का सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर नाइन की। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। तो कर्मवाच्य क्या कहता है, वो कहता है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृतवाच्य कहा जाता है। सॉरी, क्रमवाच्य पूछा है इन्होंने। तो फ्रेंड्स कर्मवाच्य क्या कहता है, वो ये कहता है कि कर्मवाच्य हमारी जो डेफिनेशन देता है, वो कहते हैं क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया का जो रूप है इसमें क्या पता चल रहा है, उद्देश्य कर्म जो है वो प्रधान है, ये पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा फ्रेंड्स, नाइन का ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर टेन की। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो सरल वाक्य कौन सा नहीं है, ए लड़का दौड़ता है, बी बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सी मैंने लड़के को बुलाया, डी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ऑप्शन हमारा ये जो टेन है इसमें पूछा है सरल वाक्य नहीं है। तो फ्रेंड्स सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, क्या होते हैं वो हमारे सरल वाक्य होते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों में क्या है, एक ही उद्देश्य पता चल रहा है और एक ही विधेय, तो ये तो हमारे कैसे सरल वाक्य। लेकिन ऑप्शन जो डी है जिसमें क्या है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय नहीं है, तो ये कौन सा हमारा सरल वाक्य नहीं है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो
तो आप देख सकते हैं कौन सा वाक्य हमारा मिश्रित वाक्य, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ये कैसा है, सरल वाक्य नहीं है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 11 की। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, हमें ये बताना है अशुद्ध क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए तो होता भी नहीं, क्या होता है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ये क्या ऐसा है हमारा अशुद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 12 की। अल्प विराम का चिन्ह है, तो फ्रेंड्स बताइए ए बी सी डी कौन सा है, तो मैं बता दूं आपका इसका ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ये जो है हमारा अल्पविराम चिन्ह है, जो ए है ये होता है हमारा अर्धविराम चिन्ह, ये हमारा सी पूर्ण विराम चिन्ह है, और जो ये है हमारा विस्मय बोधक वाला जो चिन्ह होता है, विस्मय जो विराम होता है ना वो वाला चिन्ह है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कौन सा है इसका सही अर्थ। ए गुस्सा होना, सी बहुत आनंदित होना, बी दुखी होना, डी बीमारी होना। तो फ्रेंड्स बता दूं, अंग अंग फूले ना समाना मतलब बहुत आनंदित होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, तो ऑप्शन हमारा 13 का सी है। चलिए बात करते 14 की। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, अंगारों पर पैर रखना क्या होता है, ए मूर्ख होना, बी समझदार होना, सी नुकसान होना, या डी जोखिम मोल लेना। तो आप सभी को बताओगे अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 15 की। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोक्ति का सही अर्थ है, लोक्ति तो आप पढ़े होंगे, तो बताइए क्या है इसका सही अर्थ। होनार बाक सूद होता है, सुंदर बालक होनार होता है, होनार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, या होनार बालक सुंदर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, होनार बिरवान के होत चिकने पात मतलब क्या है इसका, होनार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो 15 का हमारा आंसर कौन सा है, सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नहीं पढ़े तो ये लोक्ति पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने की सही लोक्ति क्या है, लोक्ति बतानी है एक से बढ़कर दूसरे, तो क्या है, ए समृत को ना ही दोष गुसाई, या शेर को सवा शेर, सी सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, डी सही ना सखी ना सहेली भली अकेली। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक से बढ़कर दूसरे मतलब एक से बढ़कर जो दूसरे है, इसका जो ऑप्शन है इसका हमारा बी बिल्कुल राइट है, शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरा, मतलब ये तो था ही जो था, दूसरा इससे भी बढ़कर है, मतलब शेर को सवा शेर मिल गया, तो ऑप्शन क्या है हमारा बी राइट है, ठीक है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 17 की। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, वो कहाता हो रहा है, चलिए कहलाता है, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, तो शब्दांश अनुवाद को कहा जाता है शब्दानुवाद, तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है हमारा डी, शब्दानुवाद दिख रहा है ना यहाँ पर, तो मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है शब्दानुवाद, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 की। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, कन्नौजी भोजपुरी ब्रज तीनों कैसी है हमारी यूपी की, उत्तर प्रदेश की बोलियां, पर जो मेवाती है कैसी हमारी राजस्थान की बोलियां, तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा 18 का, ये कैसी है हमारी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 19 की। साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैन्यवाद निबंध के लेखक हैं, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इस निबंध के जो लेखक है कौन से हैं, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, जल्दी बताइए, आप बताएंगे ऑप्शन बी इसका राइट होगा, नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र जी जो हैं इसके लेखक हैं, ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी। चलिए अब बात इसकी, इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट निबंध बना देती हूँ, जैसे कि यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब तथा छायावाद की परिभाषा वगैरह, इन्होंने और भी इनके जो निबंध है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 20 की। छायावाद के प्रतिबिंबवाद किसने कहा, छायावाद को जो है प्रतिबिंबवाद किसने कहा, तो ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर जो है हमारा डी राइट होगा, नहीं 30 का हमारा, एक सेकेंड रुकिए मैं बताती हूँ। तो चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, नंद दुलारे जी, नंद दुलारे वाजपेयी है, रामचंद्र शुक्ल है, रामविलास शर्मा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो मैं बता दूं छायावाद को प्रतिबिंबवाद करने वाले जो कवि हैं वो थे हमारे ऑप्शन सी राइट है, रामविलास शर्मा जी हैं, कौन है, रामविलास शर्मा, ठीक है। तो चलिए आपको पता होना चाहिए, और इनकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं मतलब इनकी जो कृतियां हैं वो कौन सी है, भाषा की विकास, और क्या कहते हैं, भाषा और समाज, हिंदी नव जागरण, इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है, चलिए तो इसे पढ़कर इसका उत्तर देते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, तो प्राचीन काल में नारी दासी थी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रण्य था, या नारी को अपमानित किया जाता था, या नारी का कोई स्थान नहीं था,
तो फ्रेंड्स चलिए आइए इसे देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ये कह रहा है प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रणीय था। तो देखिए पहली लाइन से ही हमें क्या है आंसर मिल चुका है, अग्रणीय था। चलिए कहाँ है क्वेश्चन में हम, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, तो ऑप्शन बी देखिए क्या है, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणीय था, ऑप्शन राइट होगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, चलिए बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है प्राचीन काल में नारी का क्या स्थान, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है, ये बताना है हमें, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं है, नारी गुलाम थी, नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये, यहाँ देखिए समाज में अग्रणीय था, ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है। चलिए तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है, नारी नारायणी की तरह पूजी जाती है, पूजनीय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी सी डी गलत है क्योंकि इनका कोई जिक्र भी नहीं है ऊपर। चलिए बात करते हैं देश का उद्धार कैसे होगा, नारी अशिक्षित रहेगी तो नहीं हो सकता है, चलिए ये भी नहीं होगा। युवा वर्ग के मादक द्रव्य को सेवन करने से, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सी नारी को समाज में स्थान देने से, हाँ ये ठीक है लग रहा है हमें टिक। डी किसानों को कर्ज माफ करने से, तो चलिए हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, ध्यान से हमें ऑप्शन सी यहीं पता चल गया कि नारी को समाज में स्थान देने से देश का उद्धार होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, उपयुक्त गाद्यांश का उचित शीर्षक होगा क्या होगा, मेरा भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो उचित शीर्षक होगा वो आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, नारी तू नारायणी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ये कह रहा है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे लेखाधिकारी महोदय को लिखते हैं, जिलाधिकारी को लिखते हैं, कुलपति महोदय को या फिर आचार्य महोदय को, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन हमारा बी राइट है, जिला अधिकारी को लिखा जाता है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र, ठीक है। चलिए 26, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, जब किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो क्या कहा जाएगा उन्हें, माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्म। तो मैं बता दूँ इसका ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, माननीय महोदय, इससे संबोधन किया जाता है। प्रिय मित्र, आप अपने किसी मित्र को जब पत्र लिखते हैं तो आप लिखते हैं प्रिय मित्र। पूजनीय लिखा जाता है अपने पिताजी को पत्र तब, और प्रिय आत्म होता है जब पुत्र के लिए पत्र लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं 27 की, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ए स्वर, बी लिपि, सी ध्वनि, डी व्यंजन, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बताती हूँ, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं जिस रूप में उन लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी राइट है। और हिंदी की लिपि क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी की लिपि क्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, प फ ब भ म डैश व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं आप देखिए, इन्हें बोलकर देखिए कहाँ से पता चल रहा होगा आपको बोलकर ही, तो ये कैसे हमारे ओष्ठी है, प फ ब भ म, तो ये कैसा ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ओष्ठीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 की, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या, वो क्या कहलाता है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है, ए बिल्कुल राइट है, संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक, ठीक है ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, क्या है, ऑप्शन ए स्वर है, बी व्यंजन है, सी मात्रा है, डी विसर्ग है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको इसका आंसर आता है तो, जिसे आता है बताइएगा, नहीं आता है तो कह ही नहीं सकते हम कुछ क्योंकि पढ़ तो आप रहे हैं नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल अनल शब्द युग का सही अर्थ है क्या है इसका सही, चलिए से देखते हैं क्या है इसका, ए आग हवा, बी हवा आग, सी हवा जंगल, डी जंगल आग। तो मैं बता दूँ अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है और सभी ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ठीक आंसर किया इसका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज फिर वेट करती हूँ मैं आपके कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या सही आएगा। चलिए थैंक यू।